नाम तुम्हारा अमर रहेगा, अमर रहेगी शान तुम्हारी, जलवा कायम सदा रहेगा, सदा रहे पहचान तुम्हारी, जलवा कायम सदा रहेगा, सदा रहे पहचान तुम्हारी, ज्ञान प्रतीक रत्न भारत के, हर दलितों के उद्धारक, करे वंदना दुनिया वाले बाबा भीम महान तुम्हारी, करे वंदना दुनिया वाले। और मेरा सभी से अनुरोध है कि कोई भी जब हमारे कवि बोल रहे हो उस समय पैसा न दे, आयोजन जिन्होंने आयोजन कराया है उनको पैसे दे, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अगर देना भी चाहते हैं। सर आप देख ही रहे हैं, हाँ, तो ऐसे हमारे अच्छे कवि भाई अभी यहाँ बैठी हो, सबने एक फिल्म देखी होगी, कौन सी फिल्म का डायलॉग चाहिए? गालिया। और उसमें जो अभिनेता थे वो कौन थे? अमित चंद। तो आज अमित जी कालिया जी ये कहते हैं कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, और देखिए पीछे तक भी तालियां बजनी चाहिए। और अगली चार पंक्तियां भीमा कोरेगांव के उन वीर शहीदों के नाम कि लड़ने वालों का ही जग में होता है हर उजियारा। क्या बात, लड़ने वालों का ही जग में होता है हर उजियारा, और हार मान ले जो पल में वो खुद हारा और जग हारा, और तेज हवा की रात घनेरी का दीपक ये कहता है बस जलने की चाहत से ही, बस जलने की चाहत से ही डरता है हर अंधियारा। क्या बात, बस जलने की चाहत से ही डरता है हर अंधियारा। और देखिए ये चार लाइनें आपको समर्पित करता हूं, मैं चार से ज्यादा कहता ही नहीं हूं, क्योंकि एक समय था जब हमसे पुरानी वाली पीढ़ी टेस्ट मैच की भी एक एक गेंद देखा करती थी, हमारी पीढ़ी ने वनडे देखा और आप लोग 2020 देख रहे हैं, तो मैं चार लाइनों में ही बात कहता हूं, इसलिए चार लाइनें आपको समर्पित करता हूं, क्योंकि आपकी खुशामद करनी भी जरूरी है, नहीं तो ताली ढंग से नहीं बजाते हो ना आप लोग, है ना। तो भोर बन जाओ तुम मेरी उजाला बन के छाऊंगा, भोर बन जाओ तुम मेरी उजाला बन के छाऊंगा, जो मुझको हौसला दोगे तो पर्वत लांग जाऊंगा। देखिए दो लाइन पर ही रेस्पॉन्स आ रहा है, अभी दो बच्ची हुई है, संभालिएगा कि भोर बन जाओ तुम मेरी उजाला बन के छाऊंगा, जो मुझको हौसला दोगे तुम पर्वत लांग जाऊंगा, और तुम्हारा हाथ थामे हूं तभी कदमों में तेजी है, जो मेरे पल संवारोगे तो छूने जाग जाऊंगा। और बहुत धन्यवाद। और देखिए होता ऐसा है कि जो हमारी पत्नी है वो कई बार हमें कंफ्यूज कर देती है, और एक बार उन्होंने कहा कि लोग कोयले की खान में से हीरा ढूंढ के लाते हैं और हम हीरों की खान में से कोयला ढूंढ के। क्या बात। तो हमने भी उनको जवाब दिया इस तरह से दिया कि देखिए हीरा बनता कैसे है, कोयले से, और मैं कोयला हूं, हीरा बनने की प्रोसेस में हूं, बताओ सही जवाब दिया कि नहीं दिया। और देखिए ये वीर जो हैं जिनकी याद में ये शाम बिता रहे हैं हम लोग, हमें गर्व होना चाहिए, वो कहीं नहीं गए, हमारे बीच मौजूद हैं। ये जो चार लाइनें दे रहा हूं मैं आपको, इन्हें संभाल लीजिएगा, क्योंकि मेरे अनुसार ये मेरी सबसे अच्छी लाइन है। स्वागत है भैया, स्वागत। कि किसी के चाहने भर से तारा कभी टूटा नहीं करता। क्या बात, किसी के चाहने भर से तारा कभी टूटा नहीं करता, और हाथ छुड़ा लेने से रिश्ता कभी छूटा नहीं करता, और ये तो नजरों का ही धोखा है, ये तो नजरों का ही धोखा है, वरना है मेरे दोस्त घूमती धरती है, सूरज कभी डूबा नहीं करता, सूरज कभी डूबा नहीं करता।
और देखिए हम किसी को याद क्यों करते हैं। अरे वाह मेरे डाल देना। अच्छा अच्छा तो की नोट ना है सर, अब इनमें से कोई नहीं देगा मुझे पता है। चलिए पहले से हम फिक्स करके रखते हैं, कभी लोग के देख भाई मेरे पे तू डाल दियो तेरे पे मैं डाल दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है ना, आप में से डालते तो कोई और बात होती। खैर हम किसी को याद क्यों करते हैं? हमारे बाद हम इन शहीदों को याद कर रहे हैं क्योंकि हमारे बाद तुम्हारे कर्म चलते हैं। क्या बात? तुम्हारे कर्म चलते हैं वहां दौलत नहीं चलती, तुम्हारे कर्म चलते हैं वहां दौलत नहीं चलती, वो जब तुमको पुकारेगा कोई मोहलत नहीं मिलती। तुम्हारे कर्म चलते हैं वहां दौलत नहीं चलती, वो जब तुमको पुकारेगा कोई मोहलत नहीं मिलती। और मिला दे खाक में खुद को अगर आकाश छूना है। देखिए जीते जी हम आकाश नहीं छू सकते क्योंकि ईश्वर ने हमें पंख नहीं दिए, नहीं तो हम भी उड़ के छू लेते। केवल एक ही सूरत में हम आकाश छूते हैं, जब मृत्यु हो जाती है और हम जल रहे होते हैं तो राख ही आकाश छू सकती है, हम नहीं छू सकते। इसलिए कहता हूं कि तुम्हारे कर्म चलते हैं वहां दौलत नहीं चलती, वो जब तुमको पुकारेगा कोई मोहलत नहीं मिलती। और मिला दे खाक में खुद को अगर आकाश छूना है, तपाए आग में खुद के बिना शोहरत नहीं। क्या बात, तपाए आग में खुद के बिना शोहरत नहीं मिलती। और देखिए 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 तो मैं कहते ही रहूंगा, बहुत अच्छे मुक्तक हैं, तालियां थोड़ी कम मिल रही हैं। ऐसी बात नहीं है, मेरे जैसे आदमी को इतनी से ज्यादा तो कभी नहीं मिली सर। इतना प्यार तो मेरी मम्मी ने नहीं किया जितना। तो खैर देखिए हम ये सोचते हैं कि हमने दुनिया देखी, अक्सर ये कहते हैं बेटा मैंने दुनिया देखी है, असल में हम में से किसी ने दुनिया नहीं देखी है। जहां तक देख पाए तुम जहां उससे भी आगे है। क्या बात, हो सकता है मथुरा उत्तर प्रदेश इंडिया देख लिया हो, और भी देश है भाई, दुनिया से भी बाहर दुनिया है। जहां तक देख पाए तुम जहां उससे भी आगे है, और जहां तक जीत ली तुमने जंग उससे भी आगे है। ये मत समझना कि जातिवाद कहीं खत्म हो गया है, वो एक नए रूप में हमारे बीच आ रहा है। और एक मैं आपको गर्वी बात कहूंगा, और ये हर एक के लिए कहूंगा, कुछ लोगों को छोड़ के यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि हम ये ना सोचे कि एक जाति विशेष ही बस दलित है, क्योंकि हम जिनको ओरिया या बिया या जो भी है, मतलब जिनके आगे रिया लगा देते हैं हम, या सफाई कर्मचारी, अगर हम उसके हाथ का खाना ना खा सके तो अपने आप को दलित कहना बंद कर देना। क्या? क्योंकि जो हमारे साथ होता है हम बड़े गर्व से इकट्ठे होकर कहते हैं, और जब हम उसके हाथ का नहीं खाते पीते तो होता क्या है कि उसकी पीठ पर कोई और हाथ लगता है, रखता है, और वो उसके साथ मंच शेयर करता है और वो हमारे खिलाफ ही लड़ता है। बिल्कुल सही। इसलिए आज से कसम खाएं कि अगर हम बाबा साहब के सच्चे भक्त हैं तो हमारे लिए सारे दलित समान हैं। बिल्कुल। खैर जहां तक देख पाए तुम जहां उससे भी आगे है, जहां तक जीत ली तुमने जंग उससे भी आगे है। और ये धरती की जलन देखो, धधकता आसमान देखो, पिछले साल देखा है आपने इस सर्दी में क्या हुआ था कोरेगांव में, कि ये धरती की जलन देखो, धधकता आसमान देखो, जहां तक तुम बुझा पाए अगन उससे भी आगे है। तुम बुझा पाए, वो लोग इस तरह से आक्रमण करते हैं, और उस समय हम जातियों में बिखरे होते हैं, हमारी एक ही जाति है, उसी पे यकीन रखना। और देखिए बाबा साहब हमारे बीच क्या छोड़ के गए क्या नहीं, आज हम बाबा साहब को पढ़ते हैं। बात यह है कि हमारे विचार क्या हैं, आप हमें सुनने आए हैं, हो सकता है कोई बात मैं अच्छी कह जाऊं वो आपको याद रहे। इसलिए कहता हूं कि गगन पे लालिमा छाई, ज्यादातर अध्यापक हैं यहाँ पर और उन्हीं के सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपको यहाँ पर जोड़ा है। कम से कम अध्यापक तालियां बजाएं अपने लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अध्यापक एक जागरूक समाज है और यहाँ पर कविता के साथ साथ मैं कुछ ऐसी बातें भी शेयर करना चाहूंगा जो सार्वजनिक रूप से हम नहीं कर पाते कि हम में भूता है कि हम बदल सकते हैं समाज को। तो अगर आप अपने आप को अध्यापक कहते हैं तो किसी से तुलना मत करना कि वो स्कूल नहीं जाता या वो नहीं पढ़ाता, कौन मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। अरे उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं जाऊंगा समय से और मैं पढ़ाऊंगा समय से। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। हालांकि हम भी छुट्टी का इंतजार कर रहे हैं कि सर्दी की छुट्टियां होंगी और छुट्टियों का इंतजार बहुत ज्यादा